ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हाल ही में काफी धुलाई हुई है और ये सिर्फ किसी बाहरी देश में नहीं बल्कि खुद उनके ही देश की मीडिया ने जमकर उनकी आलोचना की है। जो दावा उन्होंने भारत के खिलाफ किया है अब वो उन्हीं की गले की हड्डी बनता जा रहा। दरअसल हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंसियां कनाडा में हस्तक्षेप कर रही और कुछ कनाडाई नागरिकों की हत्या तक में शामिल है, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो उन्होंने कहा ट्रस्ट मी ब्रो। जी हाँ, उन्होंने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया और कहा कि ये उनकी इंटेलिजेंस की जानकारी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ना तो उन्होंने अपने दावे का कोई ठोस आधार दिया और न ही कोई ठोस सबूत। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने क्या आरोप लगाए और उन आरोपों पर कैसे उन्हें खुद की पार्टी और मीडिया की आलोचना का सामना करना पड़ा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारतीय एजेंसियां कनाडा में कई घटनाओं में जिम्मेदार हैं और भारतीय सरकार के इशारे पर कनाडाई नागरिकों को टारगेट कर रही है, लेकिन जब उनसे इस बारे में पुख्ता सबूत मांगे गए तो वो कुछ भी दिखाने में असमर्थ रहे। अब मजे की बात तो यह है कि जब ये पब्लिक कमेटी के सामने जस्टिन ट्रूडो को बुलाया गया तो वहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, बस इंटेलिजेंस इनपुट है और इस इनपुट के आधार पर उन्होंने भारत पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए। ये सुनकर कनाडा की मीडिया ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। वहां की न्यूज चैनल, अखबार और पत्रकारों ने सवाल खड़े कर दिए कि अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो इतने बड़े आरोप क्यों लगाए गए और अगर आरोप लगाए गए तो क्या ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए है। मीडिया के कई जाने माने पत्रकारों ने ट्रूडो के इस कदम को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। सोशल मीडिया पर भी ट्रूडो की धज्जियां उड़ाई जा रही। उनके बयान के बाद ट्रस्ट मी ब्रो कनाडा में मीम्स का ट्रेंड बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रूडो को क्यों ये आरोप लगाने की जरूरत पड़ दी। दरअसल पिछले कुछ महीने में उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही थी। उनकी लिबरल पार्टी को हाल ही में उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा और पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ता जा रहा। लिबरल पार्टी के 20 सांसदों ने अब ट्रूडो से इस्तीफा मांग लिया है, जिससे उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने और अपनी गिरती पॉपुलैरिटी को बचाने के लिए भारत पर ये आरोप लगाए। अब सवाल यह है कि ट्रूडो अपनी इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो भारत पर कुछ छोटे मोटे प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे ताकि वो दिखा सके कि वो अपने दावे के पीछे खड़े हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे उनकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है क्योंकि उनके पास कोई ठोस आधार या सबूत नहीं है। कनाडा की जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब ट्रूडो से सबूत की मांग कर रही है। अगर वो जल्द ही कोई ठोस सबूत नहीं पेश करते हैं तो उनकी स्थिति और खराब हो सकती है। खैर, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोप खुद उनके लिए भारी पड़ रहे हैं, उनकी पार्टी में बगावत के सुर उठ रहे हैं और कनाडा की मीडिया ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी है। क्या ट्रूडो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर उनकी राजनीतिक पारी का अंत नजदीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।